हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर मैं आपका एक एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द इंडियन आर्मी इज कमेमोरेटिंग दिस ईयर एज द ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन एंड प्लान्स टू रीच आउट टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ बैटल कैसुअल्टीज एक्स सर्विसमैन एंड सर्विसिंग सोल्जर्स टू इंफॉर्म देम ऑफ एंटिटेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स वेलफेयर स्कीम्स एंड हेल्प रिजॉल्व पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स द डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स विल बी द नोडल एजेंसी। भारतीय सेना इस वर्ष को ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन के रूप में घोषित किया है और युद्धों के हताहतों, पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिजनों तक पहुंचने की योजना बनाई है ताकि उन्हें वित्तीय लाभ, कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन से संबंधित समस्याओं को हल करने में मदद मिल सके। पूर्व भारतीय सेना के अधिकारियों का निदेशालय नोडल एजेंसी हो। नेक्स्ट, ए WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज is being hosted by India in New Delhi. 16 developing countries, 6 least developed countries, LDC, Argentina, Bangladesh, Barbados, Benin, Brazil, Central African Republic, Chad, China, Egypt, Guatemala, Guyana, Indonesia, Jamaica, Kazakhstan, Malawi, Malaysia, Nigeria, Oman, Saudi Arabia, साउथ अफ्रीका, तुर्की, युगांडा एंड डीजी WTO पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। भारत ने नई दिल्ली में विकासशील देशों की WTO मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की। 16 विकासशील देश, 6 सबसे कम विकसित देश अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बाराबाडोस, बेनिन, ब्राजील, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, चीन, मिस्र, ग्वाटेमाला, गुआना, इंडोनेशिया, जमैका, कजाकिस्तान, मलावी, मलेशिया, नाइजीरिया, ओमान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, युगांडा और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन में ने बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार की। तो द ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट कैरियर क्वांट्स हैज ऑपरेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो वेस्ट कमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम सिडनी टू एडेलडाइड विच डिस्पोज्ड ऑफ ऑल वेस्ट थ्रू कॉम्पोर्ट रीयूज एंड रिसाइकिल। द ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन क्वांट्स हैज प्लान टू एलिमिनेट 100 मिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक्स बाय द एंड ऑफ 2020 एंड आल्सो टू रिड्यूस 75% ऑफ एयरलाइंस वेस्ट बाय द एंड ऑफ 2021। ऑस्ट्रेलियाई उड़ान वाहक कंटास ने सिडनी से एडिलेड तक दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की है। यह मिश्र खाद पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण के माध्यम से सभी कचरे का निपटान करती है। ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइंस कंटास ने 2020 के अंत तक 100 मिलियन एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने की और 2021 के अंत तक एयरलाइंस के 75% कचरे को कम करने की भी योजना बनाई है। नेक्स्ट, फेसबुक हैज चूजन लंदन एज द सेंटर फॉर द ग्लोबल रोल आउट ऑफ व्हाट्सएप पे। बिफोर द सोशल मीडिया गायंट लॉन्चेज इट्स डिजिटल पेमेंट सर्विस ऑन द मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, व्हाट्सएप वुड हायर नियरली 100 पीपल इन लंदन टू फोकस ऑन द डिजिटल पेमेंट सर्विस एंड एडिशनल ऑपरेशंस स्टाफ वुड बी हायर्ड इन डबलिन। फेसबुक ने भारत और देश में मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी डिजिटल भुगतान सेवा शुरू करने से पहले व्हाट्सएप पेमेंट के वैश्विक रोल आउट के लिए लंदन को केंद्र के रूप में चुना है। व्हाट्सएप डिजिटल भुगतान सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लंदन में 100 लोगों को कार्यरत करेगा और अतिरिक्त ऑपरेशन स्टाफ डबलिन में कार्यरत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस की। तो द फिफ्थ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम मई 6 टू 12, 2019। इट इज सेलिब्रेटेड वंस इन टू ईयर्स।
The theme of the Road Safety Week is Leadership for Road Safety. पांचवा संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 6 से 12 मई 2019 तक मनाया जा रहा है। यह 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इस वर्ष का सड़क सुरक्षा सप्ताह का विषय है लीडरशिप फॉर सेफ रोड सेफ्टी। नेक्स्ट, बैंकिंग और बिजनेस न्यूज़। बैंकिंग और व्यापार समाचार की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL एक्वायर्ड ब्रिटिश टॉय रिटेलर हमलेज इन ऑल एन ऑल कैश डील। RIL हैज एक्वायर्ड हमलेज इन 67.96 मिलियन पाउंड अबाउट 620 करोड़ रुपीज विद द अनाउंसमेंट रिलायंस विल गेट होल्ड ऑफ 100% शेयर्स ऑफ हमलेज ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड HGHL। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक नगद सौदे में ब्रिटिश खिलौना रिटेलर हमलेज का अधिग्रहण कर लिया है। RIL ने 67.96 मिलियन पाउंड लगभग 620 करोड़ रुपए में हमलेज का अधिग्रहण किया है। इस घोषणा के साथ रिलायंस को हमलेज ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड के 100% शेयर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, बैंक क्रेडिट ग्रो बाय 13.2% इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एज कंपेयर टू 10.3% इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मेनली एडेड बाय लोन्स टू सर्विसेज एंड रिटेल सेक्टर। डिपॉजिट ग्रोथ आल्सो गेंड मोमेंटम ग्रोविंग बाय 10% एज कंपेयर टू 6.7% ईयर अगो। वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंक ऋण में 13.2% तक की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 10.3% थी। यह मुख्य रूप से सेवा और खुदरा क्षेत्र के लिए ऋण द्वारा सहायता प्राप्त है। जमा वृद्धि में भी एक वर्ष पहले 6.7% की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। तो अमूल हैज बीन अनाउंस्ड एज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ द अफगानिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप सिलेक्टेड टू बी हेल्ड इन इंग्लैंड एंड वेल्स फ्रॉम May 30। द लोगो ऑफ ब्रांड अमूल विल अपियर ऑन द लीडिंग आर्म ऑफ द अफगानिस्तान टीम प्लेइंग जर्सी एज वेल एज ऑन द ट्रेनिंग किट्स थ्रू आउट द 100-piece इवेंट। इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई को होने वाले आगामी विश्व कप के लिए अमूल को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है। ब्रांड अमूल का लोगो अफगानिस्तान टीम की जर्सी के मुख्य भुजा के साथ साथ 100-piece इवेंट में प्रशिक्षण किट पर भी दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।